ब्रह्मांड की जटिल गुत्थियों को सुलझाने, ब्लैक होल और सिंगुलैरिटी तथा सापेक्षता के सिद्धांत के क्षेत्र में अपने अनुसंधान में महान योगदान देने वाले वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का आज कैम्ब्रिज स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। ब्लैक होल्स पर असाधारण रिसर्च करके उसकी थ्योरी मोड़ देने वाले महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग 76 वर्ष के थे। आधुनिक विज्ञान की दुनिया में अपने ज्ञान और शोध के कारण वह दुनिया में एक अलग पहचान रखते थे। आइए जानते हैं स्टीफन के जीवन के बारे में कुछ अहम बातें। स्टीफन हॉकिंग शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद आज विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। उन्हें एमियोट्रॉपिक लेटरल सेलेरोसिस नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में मनुष्य का नर्वस सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जाता है और शरीर के मूवमेंट करने और कम्युनिकेशन पावर समाप्त हो जाती है। स्टीफन हॉकिंग के दिमाग को छोड़कर उनके शरीर का कोई भी भाग काम नहीं करता था। उन्हें यह बीमारी 1963 में हुई थी। जब उन्हें यह बीमारी हुई तब वो अपनी युवा अवस्था में थे। बीमारी के बाद उन्हें यह बताया गया कि उनके पास जीने के लिए महज 2 साल और बचे हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें लगने लगा कि वे अब जिंदा नहीं रहेंगे, तो उन्होंने अपना सारा ध्यान रिसर्च पर लगा दिया, जिसके बाद हॉकिंग ने ब्लैक होल्स पर रिसर्च की और अपने काम से अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा कद हासिल किया। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी रिसर्च के माध्यम से यह कहा था कि ईश्वर ने यह दुनिया नहीं रची है, बल्कि यह तो भौतिक विज्ञान के नियमों का नतीजा है। अपनी किताब ग्रैंड डिज़ाइन में कहा था कि गुरुत्वाकर्षण जैसे कई नियम हैं और ब्रह्मांड कुछ नहीं से भी खुद को बना सकता है। ब्रह्मांड एक स्फूर्त सर्जन का नतीजा है। साथ ही स्टीफन हॉकिंग का यह अनुमान भी था कि ग्लोबल वार्मिंग और नए वायरसों के कारण संपूर्ण मानवता नष्ट हो सकती है।